तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आपको कोई मशीन नहीं खरीदनी है, ना ही आपको कोई शॉप डालनी है, ना ही कोई आपको फैक्ट्री लगानी है। बस आपके पास एक छोटी सी पूंजी होना चाहिए। अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 10 से 15 हज़ार रुपये लगा करके आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो जिससे आपकी अर्निंग होने वाली है। पर डे का आप आसानी से 2 से 3 हज़ार रुपये की अर्निंग कर सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रोलिंग पिन मेकिंग बिजनेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसे बेलन भी कहा जाता है, जो लकड़ी से बनाया जाता है, इसे रोटी मेकर भी कहा जाता है। तो ये इसका बिजनेस आपको करना है। अब आपके मन में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि इसका बिजनेस हम किस तरीके से करें, इसमें कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ही लोग इसे सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से सेल करते हो तो आप डेफिनेटली अच्छा खासा अर्निंग इससे कर सकते हो। तो आज मैं आपको डायरेक्टली फैक्ट्री के ऊपर लाया हूँ जहाँ पर ये माल आपको बल्क में बन करके मिलने वाला है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, इस तरीके के पार्सल आप यहाँ से मंगवा सकते हो। तो यहाँ से मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं फैक्ट्री के ऊपर आ करके आपको विजिट करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर कितना बल्क में और कितनी क्वांटिटी में माल बन रहा है। अगर आप यहाँ से खरीदते हो तो कम से कम प्राइस में आपको यहाँ से ये प्रोडक्ट मिलने वाला है। आपको लकड़ी से बनने वाला एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अलग अलग तरीके के आपको यहाँ पर प्रोडक्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो आगे वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, ये जो सामने मजदूर आपको बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, ये लकड़ी आपको नजर आ रही है, ये बबूल की लकड़ी होती है। जो बबूल का पेड़ होता है उसकी लकड़ियों के ये रोलिंग पिन बनाए जाते हैं, बेलन बनाए जाते हैं, रोटी मेकर बनाए जाते हैं। तो ये बंदा देखिए पूरे हाथों से, मेड बाय हैंड से ये पूरा अपना वर्क कर रहा है। मशीन बस कर रही क्या है दोस्तों, लकड़ी को घुमाने का काम कर रहे हैं और जो भी इसके अंदर डिज़ाइन बनाई जा रही है पूरे हाथों से बनाई जा रही है। तो ये पूरा हाथों से बनाया जाता है। आप देख सकते हैं, अगर आपकी सिटी में जो भी डिज़ाइन चलती है, आपकी सिटी में जो भी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है, उस डिज़ाइन को अगर आप यहाँ के मैन्युफैक्चरर को अगर व्हाट्सएप पे आप सेंड कर देते हो तो वो आप उस डिज़ाइन के आपको रोटी मेकर बना करके दे देते हैं, बेलन बना के दे देते हैं, रोलिंग पिन आपको बना करके दे देते हैं। आप देख सकते हैं कि बंदा कितना बढ़िया तरीके से इसे बना रहा है। तो आप को पता होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ से अगर आप माल बल्क में लेते हो तो आपको बहुत ही कम प्राइस में यहाँ से माल मिलने वाला है। मान लीजिए अगर आप यहाँ से इन्हें 1000 पीस का ऑर्डर देते हैं तो आपको ये बाय ट्रांसपोर्ट के जरिए आपको माल भेज देते हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर ये माल बन रहा है। तो ये जो साइज़ है दोस्तों, इसे 1.5x1.5 की साइज़ कहा जाता है। इसमें 2x2 की साइज़ भी बनाई जाती है, यहाँ पर कोल्हापुर डिज़ाइन भी बनाई जाती है, यहाँ पर दोस्तों 1.5x1.5 की डिज़ाइन बनाई जाती है, और यहाँ पर दोस्तों अभी ये जो डिज़ाइन बन रही है इसे गोटी बेलन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, गोटी, जो गोटी जैसा गोल गोल होती है, गोटी को आपने देखा है, उस तरीके की गोटी साइज़ में इसके बेलन बनाए जाते हैं। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ गोटी बेलन किसे कहते हैं। तो चलिए इसके डिज़ाइन में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके की जो राउंड आपको कॉर्नर पर नज़र आ रहे हैं, ये गोटी के शेप में है। तो इस तरीके के इसे गोटी बेलन कहा जाता है। तो इसमें अलग अलग डिज़ाइन के बेलन बनते हैं। इसके अंदर घट्टे के बेलन भी बनते हैं, सादे बेलन भी बनते हैं, और इस तरीके के आपको जो गोटी के बेलन नज़र आ रहे हैं वो भी बनते हैं। तो जो सिटी में चलता है उस सिटी की डिज़ाइन यहाँ पर बनाई जाती है। ये कोल्हापुर में बहुत ज़्यादा चलता है, तो ये कोल्हापुरी डिज़ाइन भी इसे कहा जाता है, गोटी के बेलन भी इसे कहा जाता है। आप देख सकते हैं, ये इस तरीके की डिज़ाइन होती है। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा उजाले में ला करके दिखाता हूँ। ये देखिए, थोड़ा आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरीके की ये डिज़ाइन होती है। ये 1.5x1.5 की साइज़ का बेलन है। अभी इसके ऊपर पॉलिश भी चढ़ाई जाने वाली है। पॉलिश चढ़ाने के बाद इसकी बहुत बढ़िया फिनिशिंग आने वाली है। तो इस तरीके से आप बल्क में क्वांटिटी में इनसे माल मंगवा सकते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा बल्क में यहाँ पर ये माल बना रहे हैं। तो यहाँ पर एक नहीं दोस्तों, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो नज़र आ रहा है आपको, इसे चौरंग के पैर कहा जाता है। ये चौरंग के पैर होते क्या है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, चौरंग के जो पैर होते हैं शादियों में, जी हाँ दोस्तों, शादियों में जो दूल्हे जिस टेबल के ऊपर बैठते हैं हल्दी लगाने के लिए, उसके नीचे जो पैर लगे होते हैं उस टेबल के नीचे, उसके लिए ये यूज़ होते हैं। तो उसके बाद दोस्तों, ये पॉलिश देखिए, ये बेलन के ऊपर पॉलिश चढ़ चुकी है। ये पॉलिश हो जाने के बाद आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, कितनी बढ़िया फिनिशिंग के अंदर ये बेलन बन चुके हैं, रोटी मेकर बन चुके हैं। तो इस तरीके की ये पॉलिश इसके ऊपर लगा दी जाती है। अब अगर आप इनसे माल को मंगवाना चाहते हो तो आपको ये इस तरीके के छोटे छोटे पैकेट बना करके, ये देखिए, ये माल जाने के लिए रेडी हो चुका है। ये पॉलिश देखिए इसकी, कितनी बढ़िया फिनिशिंग इसके ऊपर आ रही है। तो इस तरीके के छोटे छोटे पैकेट इनके बन जाते हैं और आपको बाय ट्रांसपोर्ट, आप जो भी सिटी में रहते हो वहाँ इस तरीके के पैकेट बना करके आपको ये भेज देते हैं। तो इस तरीके के ये पैकेट रेडी है। ये देखिए दोस्तों, ये चौरंग के पैर के पैकेट यहाँ पर ये रेडी है। तो इस तरीके के जो पैकेट होते हैं वो आपको आपके शहर सिटी में ये
बाय ट्रांसपोर्ट भेज देते हैं। अगर आप इनसे माल मंगवाना चाहते हो तो मैं आपको इनका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप यहाँ पर विजिट करना चाहते हो, आकर के देखना चाहते हो, तो आप यहाँ पर आ सकते हो, विजिट भी कर सकते हो और माल को ईजी आप आपके शहर सिटी में मंगवा सकते हो। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसे सुखाया जाता है और सुखाने के बाद इसके ऊपर पॉलिश भी लगाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये बल्क में बाहर धूप के अंदर इनका माल यहाँ पर ये सूख रहा है, कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर ये माल को सुखाया जा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों ये बिजनेस आइडिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।